हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन 2024 की सीरीज बनाने वाले हैं हम लोग, और उसके अंदर देखने वाले हैं कि रिवर्सल को कैसे कैच किया जाता है, उसके साथ आप लोगों को क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको ऐसी चीज़ें पता चलने वाली है जो पहले आपको किसी ने बताई नहीं होगी कि चार्ट को किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर के साथ जो है वो देखा जाता है, या फिर प्राइस एक्शन को किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर के साथ रीड जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को जैसे ही मैंने चार्ट यहाँ पर लगा दिया सपोज करो, तो यहाँ पर आप देखो कि निफ्टी ने एक पुल बैक दिया, बहुत अच्छा खासा पुल बैक निफ्टी ने यहाँ पर हम लोगों को देते हुए हम लोगों ने कल देखा इसको, ठीक है। अब अभी क्या हो रहा है कि अभी निफ्टी गैप अप ओपन होकर के एक रिट्रेसमेंट दिया, वहीं पर एक सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश जो है निफ्टी अभी कर रहा है। अभी क्या है, रेंज के अंदर किस तरीके से फंसा हुआ है निफ्टी, हम लोग देखते हैं उसको। अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, निफ्टी ने एक पुल बैक दिया, ऊपर की तरफ गया और यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस लेकर के अभी ये साइडवेज जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऊपर का और नीचे का लेवल हम लोगों को मिल चुका है, ऊपर का लेवल यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर का लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है और नीचे का लेवल यहाँ कहीं पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये एक एरिया का आप मार्किंग कर लेना कि ये इस एरिया को छोड़ना नहीं है अभी, ठीक है। तो एरिया को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, आप देखो यहाँ पर कहीं पर हमारा सपोर्ट एरिया बन चुका है जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए काम करेगा, और यहाँ कहीं पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बन चुका है। तो इसको मार्किंग कर लेने से क्या होगा, आपको ब्रेकआउट का लेवल जो है वो मिल जाने वाला है, ठीक है। अब ये जोन के अंदर किसी भी ऑप्शन बायर या ट्रेडर को सेलर को ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो वन डायरेक्शनल मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं। हाँ, साइडवेज एरिया वाले इस एरिया के ऊपर के कॉल और नीचे के पुट जो है वो सेल कर सकते हैं, और जितना टाइम डीके का फायदा यहाँ उनको मिलने वाला है उतना ले सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद उनको एक तरफ का कॉल या पुट निकाल देना होता है, ऐसी एक स्ट्रैटेजी होती है जो कि साइडवेज के बाद वन डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो जाती है। अब एलटीपी कैलकुलेटर के ओल्डर वर्जन में अगर हम लोग देखें तो मॉर्निंग का मैंने यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा लगा करके चेक कर रहा हूँ मैं, 9:18 के अंदर क्या दिख रहा था हम लोगों को, मॉर्निंग में ही 24,000 का एक सपोर्ट था और ये जो रेजिस्टेंस था 24,300 का, ये वीक टूवर्ड्स टॉप बन रहा था। उसके बाद चीज़ें क्या हुई, न्यूअर वर्जन में हम लोगों को वो चीज़ें पता चलती है कि ये जो सपोर्ट हुआ करता था 24,000 का, ये वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ होगा और वीक टूवर्ड्स टॉप के बाद ये यहाँ पर 100% शिफ्ट हो गया। तो अभी ये वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। तो अभी हमारा सपोर्ट क्या रहेगा, 24,300 के आसपास का हमारा सपोर्ट जो है वो होने वाला है। उसका रिवर्सल प्राइस क्या रहेगा वो भी हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 340-342 के आसपास है, इसका ब्रेकडाउन होता है तो 293 के पास हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं। अभी क्या है, जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये 24,300 के पास है और ये वीक टूवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है 93% 24,400 के पास। अब ये 400 के पास जाके आया क्या, वो हम लोगों को चेक करना पड़ता है। तो 400 के पास ये डेफिनेटली, यहाँ पर मैं एक लगा लेता हूँ, 400 के पास ये डेफिनेटली टच करता हुआ आ रहा है, 400 के ऊपर से ही ये गिर रहा है। तो अभी गिरावट की लेवल क्या रहेगी, गिरावट की लेवल कहाँ पर पता चलेगी, तो ये आपकी गिरावट की लेवल है 24,393 के आसपास, आपको रेजिस्टेंस एक फेस करने के लिए दिखाई दे सकता है। तो 393 के आसपास एक लाइन जो है वो हम लोगों को खींच लेनी, यानी कि इसी एरिया के पास हम लोगों को रेजिस्टेंस जो है देखने के लिए मिलेगा, इसी एरिया के पास रेजिस्टेंस है। अब क्या होगा कि एक तो रेजिस्टेंस का लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे 2024 के वर्जन में इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि रिवर्सल दे दिया है। अब देखो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर जो भी लेवल रही होगी उसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम लोगों को कब ट्रेड करना पड़ेगा, जब इसका लेवल का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि मार्केट जो है वो पॉजिटिव अभी चल रहा है, अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव चल रहा है, इंट्राडे के अंदर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ पर ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो, इस रेंज में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ये साइडवेज प्राइस एक्शन का यहाँ पर जो सीन है वो अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको बीच में ट्रेड करने की जरूरत नहीं, या तो आपको ऊपर ब्रेकआउट पर ट्रेड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका टारगेट कैसे डिसाइड होगा, इसके ब्रेकआउट पर तो आपने ट्रेड कर लिया क्लोजिंग बेसिस पर, आपका टारगेट कैसे डिसाइड होगा, आपका टारगेट यहाँ पर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ये वाला 450 के लेवल तक आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर स्कैल्पिंग जो है वो कर सकते हो, फिर से मार्केट वहां पर एक पॉज लेगा, रेजिस्टेंस लेगा,
ठीक है ना। तो ये इस तरीके से किया जाता है। अब ये कितना पॉइंट्स आपको कैप्चर करने के लिए मिलेगा वो तो बाद की बात है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 993 के आसपास अगर ये आता है, 93 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करता है और इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो 400 से लेकर आपको 450 के बीच का ये एक मोमेंटम जो है वो कैप्चर करने के लिए मिल सकता है और ये वन गो में चला जाता है, ठीक है। और ये इतना सा छोटा सा मूवमेंट नहीं करेगा, फिर ये 400-480 तक भी ये मूवमेंट जो है वो कर सकता है ऊपर की लेवल पर, फिर लेवल्स जो है ना वो ब्रेकआउट होते हुए चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या देखना है, एक क्विक स्कैल्पिंग के लिए हम लोगों को अगर देखना है तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको 400 का कॉल और पुट दोनों लगा करके दिखा रहा हूँ। 400 का कॉल यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं एट द मनी का, और पुट भी यहाँ पर लगा लेते हैं। जो लोग पुट सेल करते हैं उनके लिए वो चीज़ें होंगी, जो लोग कॉल बायर है उनके लिए वहाँ पर वैसी चीज़ें दिखाई देने वाली, ठीक है। अब जिसे इसका ब्रेकआउट होगा ना तो इस कॉल के अंदर देखो क्या होगा, इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए इसने। इस रेंज को अगर ये ब्रेक करेगा ना तो ये आराम से कहाँ तक जा सकता है, 120-130 के आसपास ये निकलता हुआ दिख सकता है। तो आपको कितने पॉइंट्स का टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर प्लेस करने का मौका मिलेगा, देखो यहाँ पर कहीं पर आप अगर बाय करते हो इस ब्रेकआउट के अंदर तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, जो भी कितने रुपये का होगा, इसी कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो कि 10 रुपये का रहेगा, और आपका टारगेट जो है वो 120-130 के आसपास जो है वो होना चाहिए, यानी कि 30-40 पॉइंट्स का आपका टारगेट जो है वो हो जाना चाहिए। अब अगर यहाँ से निकलेगा तो पुट सेलर क्या करेगा, है ना, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, कोई कोई लोग ऑप्शन बाय नहीं करते, उनको सेलिंग करना पसंद है। तो इस रेंज का, इस कैंडल्स का अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ कहीं पर तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इतना सा छोटा सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा आई गेस करेक्ट, यहाँ पर अगर आप सेल करोगे ना तो ये इसी कैंडल का, करंट कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपको जो है वो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पर एग्जिट कर जाना है। और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पर आता है, यहाँ कहीं पर 1:2, यानी कि आप 50 पॉइंट के आसपास का टारगेट जो है वो कैप्चर करोगे। अभी देखो निफ्टी यहाँ से निकलने की कोशिश जो है वो कर रहा है, और पुट के अंदर अगर हम लोग देखें तो पुट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा खास गिरावट जो है वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही, और इस अकाउंट के अंदर मैं ज़्यादा ETF होल्ड किया हूँ और उसको प्लेज नहीं किया हूँ अभी के लिए, प्लेजिंग निकाल दिया था मैंने जब मार्केट गिर रहा था, तो उसके अंदर मोमेंटम नहीं आ रहा है। आप देखो मोमेंटम नहीं, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन मोमेंटम जो है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी एरिया के पास जो है वो रेजिस्टेंस मिल रहा है, 390-400 के करीब करीब ये मोमेंटम जो है वो मिल रहा है। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, ऊपर की लेवल ओपन होती जाएगी, किसी लेवल है ऊपर की लेवल ये ओपन हो जाएगी इसका ब्रेकआउट निकल जाने के बाद, ठीक है। तो उसका ही हम लोगों को क्या करना है, वेट करना है कि इस 350 की लेवल का ब्रेकआउट आता है या नहीं, फिर क्या करेगा मार्केट, अगर ब्रेकआउट नहीं आएगा तो उसका रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है। तो मार्केट में जैसे मैं बता रहा था एक रेंज में जो है वो फंस जाएगा, इस वाली रेंज में जो है वो फंस जाएगा, इसीलिए कभी भी रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।